गरीब आदमी ने मार दिता है ना, भुखे ही मरणगे और की करनगे। आतंक का अमीर आतंक के स्टार, दहशत का रईस पाकिस्तान, हुआ रोटी के लिए मोहताज। गरीब आदमी ने तो मार देता है ना, तो एलपीजी महंगी होगी तो आम आदमी क्या करेगा, आप क्या करेंगे? भूखे ही मरेंगे और की करेंगे। गैस सिलेंडर पहुंचा 2000 के पास, फर्स्ट जनवरी 2020 को हमें महंगाई का तोहफा मिला। गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इमरान के राज में बेलगाम हुई महंगाई, आतंक परस्त सरकार ने जनता की परेशानी बढ़ाई। मुर्गी हम खाते भी नहीं, सब्जी बहुत महंगी है, सब्जी भी बहुत महंगी है जी। तो ये भाई कह रहे हैं कि हर बंदा कमा सकता है, कमाता है भाई, हमारा है भाई, तो पता होगा। आप वोट कर सकते हैं। पड़ोसी मुल्क में भुखमरी के हालात, पाकिस्तान में महंगाई बम की मार, ये गरीब आदमी को चोर चक्का बनने के लिए इन्होंने महंगाई कर दी है। खान साहब ने यू टर्न लिया, खान साहब को इन गरीबों की बद्दुआ नहीं लग जाना है। पाकिस्तान में आटा गीला, पाकिस्तान में आटा गीला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। गुर्बत की जिंदगी जी रहा पाकिस्तान एक एक पाई के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैला रहा है। कंगाल होती अर्थव्यवस्था ने पहले ही पाकिस्तानी सरकार की कमर तोड़ी है। अब बढ़ती महंगाई से वहां की आवाम भी परेशान है। आलम यह हो चला है कि लोग रोजमर्रा की चीजें जैसे गैस सिलेंडर और आटा खरीदने से भी कतरा रहे हैं। न खाने को रोटी, गरीब बंदा 500 रुपया मजदूरी कमाता है, ठीक है, वो घर जाते जाते सिर्फ उसके पास 100 रुपया रह जाता है, वो घर का मैनेज कैसे करेगा हमें बताएं। न पीने को पानी, क्योंकि आपको कफन भी करना है, आपको कवर भी करनी है, आपको फिर आपको गोरगल को भी देखना है, पैसे देने हैं। कवर सस्ती है गरीब की नहीं, महंगी है। किराए के लिए पैसे तक नहीं, किराए दे मकान 8,500 रुपया किराया, ठीक है, 6,000 रुपया बिजली का बिल किराया पे है। सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है। उनके बस का नहीं है ये हुकूमत चलाना। किसके पास का है? जिनका बस का था उनको उन्होंने पीछे कर दिया है। उन्होंने तो अंकल जी कर्जे चढ़ाए। अरे छोड़ो यार, करप्शन की उससे ज्यादा कर्जदार हो गया आपका मुल्क, पता आपको। मगर मुंह पर बात हमेशा भारत से युद्ध की। पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है हमारे से ये दुश्मनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है, हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग ख़त्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हकीकत है कि उसकी सरकार के पास देश चलाने के लिए कुछ बचा नहीं। वहाँ की अर्थव्यवस्था अपने अंतिम पड़ाव पर है। पाकिस्तान की आवाम दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है।
महंगाई की मार से इस वक्त पूरा पाकिस्तान जूझ रहा है, मगर वहां के हुक्मरानों को भारत से बदला लेने के अलावा कोई और दूसरा काम सूझता नहीं। नए साल के स्वागत पर जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, उस वक्त पाकिस्तान की जनता महंगाई के कारण आंसू बहाने को मजबूर थी। आतंकियों के लिए जन्नत बन चुकी पाकिस्तान की जमीन अपनी कंगाली पर आंसू बहा रही है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां एक गैस सिलेंडर के लिए लोगों को 2000 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम तो महज एक ट्रेलर भर है। पाकिस्तान में हालात ये हैं कि यहां पेट्रोल से लेकर आटा दाल तक के भाव लोगों की पहुंच से बाहर है। बढ़ती महंगाई से परेशान लोग सड़कों पर उतर कर इमरान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। महंगाई के विरोध में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। मगर आतंकवाद और ISIS के हाथों की कठपुतली बनी इमरान सरकार इन सब से बेपरवाह। ब्यूरो रिपोर्ट, R90। दरअसल 2018 में हुए चुनाव में इमरान खान ने वहां की जनता से वादा किया था कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह से बदल देंगे। पिछली सरकारों में हुए भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर इमरान पाकिस्तान के प्रधान बनने में कामयाब तो हो गए, मगर सरकार में आतंकवादी संगठन और ISI की दखल अंदाजी की बदौलत वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। उनका हरेक चुनावी वादा झूठा साबित हुआ। पाकिस्तान में आज स्थिति यह है कि वहां की जनता इमरान सरकार के खिलाफ सड़क पर हल्ला बोल रही है। जिस धरती पर आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी हो, जिस जमीन पर दहशतगर्दों के लिए हजारों सैकड़ों ट्रेनिंग कैंप मौजूद हो, जिस देश में दुनिया का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला आतंकवादी ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, वो देश अब एक एक कौड़ी के लिए मोहताज हो रहा है। खान साहब पता नहीं इधर लाहौर में तो आते ही नहीं है। नहीं आते तो है, पता नहीं क्या जमान पार्क नहीं कभी आप गए बाहर? नहीं मारा उधर काम। आप जाइएगा सर, इमरान खान साहब कहते नहीं आते, मैं बता रही लाहौर तो वो आते हैं। अब ये तमाम तरह सूरत हाल है, उस्मान बुज़दार साहब की बात कर लेते हैं। आतंक का दोस्त पाकिस्तान महंगाई के सामने दम तोड़ चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खस्ता हाल होने की कगार पर। गिरता पाकिस्तानी रुपया और बढ़ते दाम पाकिस्तान की आवाम को परेशान कर रहे हैं। आलम तो ये है कि लोगों के पास घर का किराया देने तक को पैसे नहीं है। 100-200 का पेट्रोल लग रहा है, 1000 रुपये जो 8.5 हज़ार रुपया घर का किराया, ठीक है 3 बच्चे ने, वो बिच किस तरह पूरा करिए? महंगाई तो नेर पाता है यार, ने जो ये अमीर से किसी चीज़ से पूरा नहीं उतर रहा यार। की कीता की जाए, बस गरीब आम लिए सोचा जाए, उस अलावा मकान के किराया इन्हों के बारे ही सोचा जाए। 6000 बिजली का बिल आ गया, असी 5 अफराद हैं, 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, असी 6000 रुपया बिजली का बिल है, ठीक है गैस का बिल है, पानी का बिल है, 1000 रुपये असी किस तरह गुजारा करिए? पड़ोसी मुल्क में हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। महंगाई बम ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी। मौजूदा महंगाई दर ने 9 साल पुराने रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया। स्थिति यहाँ तक पैदा हो चुकी है कि लोग आटा दाल खरीदने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर है। किया क्या है, ये क्या किया है? दो खाने खुले हैं ना जी, जो उनको तो मकरा के वो सब कोई खाती जा रहा है, कोई गरीब आदमी जाता है ना, कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए। आवाम की सलाहत हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी 17,000 सैलरी, 17,000 में क्या हम कर सकते हैं? हमारे खुद का गुजारा नहीं हो रहा, घर का क्या करें? झूठे वादों की बिसात पर वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान की सत्ता हासिल की। गरीब जनता को महंगाई कम करने का ख्वाब दिखाकर इस्लामाबाद की कुर्सी हथिया, मगर इमरान के चुनावी जुमले आज जनता पर भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जनता आज इमरान के आगे हाथ जोड़कर पुराने दिन वापस मांगती नजर आ रही है। 200 का तो 200 का क्या आएगा जी, 1 किलो आएगी, जिसके 5-10 जी हैं उसके चाय भी नहीं पकेगी, ऐसा हो रहा है। निकाल सकती नहीं जी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। रिक्शा ड्राइवर्स होते ना, वो पाकिस्तान की अवामी सवारी है,
ये आवाम जो है ना वो मीडियोकर फैमिली से लेके लोअर मिडिल क्लास तमाम तक लोग इस पर सफर करते हैं और सूरत हाल ये कि इन्होंने बचाना भी है और अपने बच्चे भी पालने हैं। महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तानी जनता इमरान खान से बेहद खपा है। गैस सिलेंडर के अलावा पाकिस्तान में फल सब्जियों के दाम लोगों को चिढ़ा रहे हैं। ये आपकी रेट ही है जनाब, मुझे प्राइस कंट्रोल की लिस्ट दिखा दे प्लीज। ये लिस्ट है। अच्छा, के हिसाब से कोई रेट नहीं है। कोई रेट नहीं है। अच्छा, अब ये भाई से तो मंडियों में अपने अपने रेट हैं। ठीक है, हमें महंगा बिकता है, महंगा बेचते हैं। कौन सा आप बता दे, ये वाला आम कौन सा है? चौंसा। ये चौंसे की इसमें क्या कीमत है? कहाँ है ये चौंसा? कहाँ है बताइए जरा, चौंसा कहाँ लिखा है? काफी बड़ी लिस्ट होती है, उसमें ढूंढना पड़ता है। लंगड़ा 58 रुपए, चौंसा 96। 96, 100। आप कितना बेच रहे हैं? 100 रुपए। आम के दाम भी पाकिस्तान में शतक लगा चुके हैं। पाकिस्तानी जनता का कहना है कि वो बाजारों में खरीदारी करने निकलते तो हैं, मगर खाली हाथ घर वापस आते हैं। एक स्टॉल है फ्रूट्स का, यहाँ से पूछ लेते हैं कि जो आवाम को अगर फल खाना पसंद है तो क्या वो अपने मर्जी के मुताबिक फल लेने की इस्तेदात रखते हैं? फल जो है पहले महंगे थे या अब महंगे हो गए? फल अब बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अच्छा, तो बिक रहे हैं उसी हिसाब से लोग अपना शौक पूरा कर रहे हैं फल खाने का? बट अगर हम लोग बेचें ना तो हम खुद भी ना खाएं। अच्छा, इतना महंगा? अच्छा, इससे ज़्यादा और कोई बात? वजह क्या है? महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग अपनी रोटी रोजी पूरी करें फिर फल खाएं। इस स्टॉल तो आप फिर भी लगा रहे हैं फलों का? तो बच्चों के लिए रोजी तो कमानी है, क्या करें? उसके अलावा तो कुछ हमारे पास चारे नहीं है सोए रेडी के, तो यही कर सकते हैं। चले, हुकूमत को भी एक पैगाम देंगे आप? मैं तो यही पैगामूंगा कि गरीब आदमी का आवाम और गरीब आवाम का ख्याल करें। पहले ही आर्थिक तंगी के शिकार इमरान सरकार अब बढ़ते दामों के आगे दम तोड़ती दिखाई दे रही है। बीते एक साल में पाकिस्तान में महंगाई किस तरह उछली है, इन आंकड़ों के जरिए समझिए। पाकिस्तान में साल 2019 की शुरुआत में गैस सिलेंडर 1400 रुपये का था, आज सिलेंडर 2000 के पार पहुंच चुका है। 20 किलो आटा पहले 900 रुपये का था, आज 20 किलो आटा 1100 रुपये में खरीदा जा रहा है। टमाटर पहले 120 रुपये किलोग्राम था, आज टमाटर के दाम 350 रुपये किलोग्राम पहुंच चुके हैं। 1 किलोग्राम हरी मिर्च की कीमत 15 रुपये थी, अब 1 किलोग्राम मिर्च के लिए आपको 150 रुपये चुकाने पड़ते हैं। वहीं 1 किलो प्याज के लिए पहले 50 रुपये देने पड़ते थे और अब प्याज के लिए 140 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। महंगाई से पाकिस्तान की जनता का हाल बेहाल है। रोजमर्रा की अधिकांश चीजों के दामों में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। रिटेल मार्केट में मूंग की दाल की कीमत 260 रुपये किलोग्राम से ज्यादा है, वहीं चने की दाल का भाव 150 रुपये है। अगर चीनी की बात करें तो पाकिस्तान में चीनी भी 75 रुपए किलोग्राम खरीदी जा रही है। आसमान छूते दाम से हर कोई हैरान है, मगर इमरान सरकार सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगी है। अगर जल्द ही इमरान सरकार ने महंगाई से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जल्द ही पाकिस्तान का दिवालिया होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R19। वैसे आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान को कोई बेहतर प्रधानमंत्री नहीं मिला। वहां जितनी भी सरकारें बनी उन पर कंट्रोल आतंकी गुटों और ISI का ही रहा। सरकारों ने दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से देश के विकास के लिए भारी भरकम कर्जा तो लिया, मगर इसका इस्तेमाल उसने भारत में आतंक फैलाने के लिए किया। ये हुकूमत चलाना किसके पास का है? जिनका बस का था उनको उन्होंने पीछे कर दिया है। उन्होंने तो अंकल जी कर्जे चढ़ाया। अरे छोड़ो यार, करप्शन की उससे ज्यादा कर्जदार हो गया आपका मुल्क, बता आपको नहीं हुआ? आप कैसे कह रहे हैं? किस्त वापस की है उसने? चाइना, अमेरिका, दुबई, कतर, चीन, किस मुल्क से आपने इनसे इमदाद ले ली है? वेंटिलेटर पर पड़ी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आलम यह है कि पाकिस्तानी रुपया अपने अब तक के निचले स्तर पर पहुंच गया है और जल्द ही उम्मीद है कि पाकिस्तानी करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी हो जाएगी। फिलहाल डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कीमत करीब 155 रुपये है। अगर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के चरमराते हालात
ठीक नहीं हुए तो जल्द ही एक अमेरिकी डॉलर 200 रुपये तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अलग अलग देशों से आर्थिक मदद मांगी है, लेकिन कोई भी देश पाकिस्तान की मदद करना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है अगर पाकिस्तान को कर्ज दिया तो पाकिस्तान उस कर्ज से जनता की जगह आतंकियों का पेट भरेगा। 2017 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर करीब 75 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसमें घरेलू कर्ज का बोझ करीब 16,000 अरब है और विदेशी कर्ज करीब 9,000 अरब रुपये, यानी हर पाकिस्तानी 1,00,000 रुपये के कर्ज में दबा हुआ है। पाकिस्तान कर्ज मांगने से जरा भी नहीं कतराता, न ही उसे कर्ज चुकाने की चिंता। तभी तो IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2008 से 2018 के बीच, यानी बीते 10 साल में दुनिया से करीब 40 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज लिया है, जिसमें 2012 में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज, 2013 में IMF से 6.5 अरब डॉलर का कर्ज, साल 2014 में सऊदी अरब से 1.5 अरब डॉलर का कर्ज, 2015 में चाइना डेवलपमेंट बैंक से 1.3 अरब डॉलर का कर्ज, 2018 की शुरुआत में चीन से 1 अरब डॉलर का कर्ज और जून 2018 में 4 अरब डॉलर का चीन से लिया कर्ज शामिल है। 2017 में पाकिस्तान के खस्ता हाल के लिए वर्ल्ड बैंक पहले ही आगाह कर चुका था, मगर बावजूद इसके पाकिस्तान ने विदेशी मुद्रा भंडार को दुरुस्त करने के लिए कदम नहीं उठाए। गलत नीतियां पाकिस्तान को कर्ज में डुबोती चली गई। पहले भी रोते थे, मैं 3 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जिसके पास जाता था ये मार दिया, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने मार दिया। सुने आप भी वैसे मेरी, कर रहे हो। मेरी बात किसी से खुश हो आप लोग? हाँ जी, इस हुकूमत से खुश नहीं है, क्योंकि हर पिछली हुकूमत से आप हर पिछली हुकूमत से खुश हो जाते हैं, अगली हुकूमत का बुरा कहते हैं। कोई गरीब आवाम को बेनिफिट तो देना, कोई हमें बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा। गरीब आवाम तो हर रोटियां पका के दे जाए। आप एक एक बंदे से पूछें कि वो तंग है कि नहीं इस दौर से। उधर आप ये देखें, आप ये देखें कि मौजूदा हुकूमत जो इस टाइम जा रही है, अब ये देखें, मैं सुजुकी में काम करता हूँ, ठीक है ना, हमारी गाड़ियाँ रोज की नवाज शरीफ की हुकूमत में 15-20 गाड़ियाँ सेल होती थी, अब दिहाड़ी की 3 गाड़ियाँ सेल नहीं होती, वो भी बुला बुला के कहना है पता भाई गाड़ी ले जाओ। ये हुकूमत है, घर में रोटी हुकूमत गड्डियां के खरीदे सर, मैं आपको बताता हूँ ना, बात ये है कि हुकूमत क्यों गड्डियां गाड़ियां, बात ये है कि जब इंसान सर एक मैं बताता हूँ, एक बंदे ने जब गाड़ियों की प्राइस लिस्ट बढ़ा दी है, एक गाड़ी वैगनार जो 14-15 में मिल रही थी, अब 20 लाख रुपए में चलेगी, कोई आएगा उसको लेने? हर छोटे बड़े देश के आगे गिड़गिड़ा कर कर्ज मांग चुका पाकिस्तान आज कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में अब 2 महीने का भी पैसा नहीं बचा है। दरअसल पाकिस्तान की ऐसी हालत अमेरिका से मिलने वाली वित्तीय मदद बंद होने के बाद से हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की फंडिंग पर रोक क्या लगाई, पाकिस्तान रास्ते पर आ गया। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के खजाने को हमेशा लबालब रखा ताकि पाकिस्तान भी विकसित हो सके, मगर उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान ने सिर्फ भारत के खिलाफ जंग में किया। ये इनसे कंट्रोल नहीं हो पाया, उसकी वजह है कि इनके साथ सारे निकम्मे लोग हैं, निकम्मे तरीन लोग हैं। बात यह है कि इन्होंने 1.5 साल 16 महीने में दिया क्या है? हमें कर्ज है कि अपने बच्चों का दूध कैसे पूरा करना है, हमें कर्ज है कि हमने सब्जियां कैसे घर में लेके जानी है, हमें कर्ज है हमने बिजली का महंगा बिल कैसे देने हैं, खास साहब की तरह बिजली। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि उसे तत्काल 12 अरब डॉलर की जरूरत है, जिसमें 9 अरब डॉलर चालू वित्तीय वर्ष में जरूरतों को पूरा करने के लिए और करीब 3 अरब डॉलर कर्ज और उसका ब्याज चुकाने के लिए चाहिए। बिगड़ती अर्थव्यवस्था का ये गड्ढा और गहरा न हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के फिजूल खर्चों पर रोक लगाने के लिए कई फैसले लिए। इसके लिए पाकिस्तान PM इमरान खान ने प्रधानमंत्री आवास की लग्जरी कारें और भैंसों तक को नीलाम कर दिया, मगर यहाँ भी पाकिस्तान को मायूसी हाथ लगी। सरकार ने नीलामी से जितनी उम्मीद लगाई थी उससे कम राशि ही सरकार हासिल कर सकी। इमरान खान ने सोचा था कि नीलामी से 1,60,00,000 डॉलर खजाने में आएंगे, मगर महज 60,000 डॉलर ही आ सके। नवाज शरीफ की भैंसों को नीलाम किया गया। इसके अलावा नीलामी के लिए 100 में से सिर्फ 60 गाड़ियों की ही बोली लगी। बहरहाल पाकिस्तान का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है, उसे अब उम्मीद है तो सिर्फ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से। IMF ने नवंबर महीने में ही 6 बिलियन डॉलर की राशि पाकिस्तान को दी है, मगर इससे भी पाकिस्तान की डूबती नैया पार होती नहीं दिखी। ऐसे में IMF मदद के लिए कुछ राशि बतौर लोन दे दे तो शायद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सांसें 1-2 साल और चल जाए।
लेकिन अगर IMF ने मदद से हाथ पीछे खींचे तो पाकिस्तान का कंगाल होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट R19। तो पाकिस्तान की हालत आपने देखी, पाकिस्तान का आटा कैसे खिला है ये आपने देखा, दुनिया में पाकिस्तान का कद कितना है ये भी आपने देखा। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने से नहीं कतराता, आतंकियों को पनाह देने से नहीं कतराता, क्योंकि पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकी ही भारत में ब्लास्ट करते हैं और कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान की हालत हमने आपको दिखाने की कोशिश की। गरीब आदमी ने तो मार देता है ना, भुखे ही मरणगे और की करेंगे।